हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार। यहां पर आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको मैं बताने वाला हूं किस तरीके से यहां पर कर्टन की मॉडलिंग कर सकते हैं एंड उसके बाद उसके ऊपर हम मटेरियल अप्लाई करेंगे और वो मटेरियल ऐसा मटेरियल होगा जो हम अपने घर से खुद से किसी भी मटेरियल को क्लिक करके यूज करेंगे एंड उसके बाद एट दी एंड हम यहाँ पर रेंडर करेंगे उसको, ताकि देखेंगे कि इम्पैक्ट कैसा आता है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। सो गाइस, ये चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडलिंग से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सी से सर्कल कमांड का एक शॉर्टकट है, आप यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पर आप इसको एक लाइन की हेल्प से डिवाइड करोगे और यहाँ पर मैं इसकी एक सेगमेंट को इरेज कर दिया। यहाँ पर साइज मैटर नहीं करता, आप कोई भी साइज डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं रोटेशन कमांड को एक्टिव करूंगा, जिसका शॉर्टकट क्यू होता है। पहला पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको मैं अब रोटेट कर दूंगा। बट मेरे को इसकी कॉपी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर कंट्रोल को एक सिंगल टाइम प्रेस करूंगा और यहाँ पर जैसा कि अभी आप देख सकते हैं आपके पास इसकी एक कॉपी आ चुकी है। अब सिंपली आपको यहाँ पर मूव कमांड को एक्टिव करना होगा, देन यहाँ पर मैं इसको भी कंट्रोल क्लिक करके इसकी भी एक और कॉपी बना लूंगा। अब सिंपली यहाँ पर इनटू क्लिक करके यहाँ पर मैं 6 करूंगा ताकि मेरे इसके और भी कॉपी बन जाए, राइट। सो जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास कुछ रिंग्स आ गई है, राइट। अब यहाँ पर इसको 3D में कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं इसके लिए यूज करूंगा JHS पावर बार। गाइस, अगर यहाँ पर आप प्लगइन सीखना चाहते हो सो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही सस्ता और बेस्ट पैकेज है 2500 अमाउंट का, जिसमें 29 वीडियोस हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप यहाँ मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर 100% स्केचअप सीख सकते हो। स्केचअप सीखने का मतलब ये नहीं होता कि गाइस जो आप बेसिक सीख लेते हो, स्केचअप का मतलब रियल ये होता है कि आप इतने सारे जो प्लगइन्स आप देख पा रहे हैं ये सब के सब आपको आने चाहिए, तभी तो आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, राइट। सो अगर आपको सीखना है तो आप मेरे को जो है पिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैंने ये जितने भी मैंने सर्कल से इनको कर लिया है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एक्सट्रूड लाइन को। सो एक्सट्रूड लाइन पर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको ब्लू एक्सिस पर लेकर जाऊंगा। आप यहाँ पर साइज भी डाल सकते हैं जितना आप कर्टन का हाइट रखना चाहते हैं, तो यूजुअली 7 feet से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 7 feet 3 inches डाल दूंगा और हिट कर दूंगा एंटर। जैसे आप करेंगे पर्टिकुलर उस हाइट पर आपको ये कर्टन का एक ऐसा फ्लो देखने को मिल जाता है, बट ये अभी रियलिस्टिक वाला एक फील नहीं दे रहा है। सो गाइस, यहाँ पर आपको अगर इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है स्केल टूल को इन सभी को सेलेक्ट कीजिए, स्केल टूल को एक्टिव कीजिए और यहाँ पर आप इसको पतला कर सकते हो, आप इसको छोटा कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इसको और थोड़ा सा थिन ले जाऊंगा एंड या अब यहाँ पर हमें इसमें क्या करना है, ग्रोमेट्स अगर डालनी है। सो यहाँ पर ग्रोमेट्स, जिनको नहीं मालूम, सो जो कर्टेंस के ऊपर वो गोल गोल से आप देखते हो रिंग, वो होते हैं ग्रोमेट, ठीक है। सो वो इसमें कैसे डालेंगे, राइट। सो यहाँ पर अब उसको करने के लिए हमें यहाँ पर एक सबसे पहले तो सर्कल को ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लूंगा। अब यहाँ पर हमें 2 circles चाहिए बेसिकली। सो एक सर्कल हमारा रहेगा जो बड़ा ग्रोमेट होगा और एक होगा जो वो पाइप होती है, राइट। सो अब यहाँ पर मैं पुल कमांड को यूज करूंगा। सो अगेन यहां पर और यहां पर उसके बाद आपको सिंपली इसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में बना देना है, ठीक है। सो यस, यहां पर मूव कमांड से आप यहां पर ले आए जहां पर आपको वो कटिंग्स करनी है, राइट। सो अगर आपको लगता है कि छोटा करना है सो आप यहां पर जरूर वो कर ले। सारे स्टेप्स आपको अभी लेने होंगे, जो भी छोटा अगर बड़ा करना है जो भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको साइज छोटा लग रहा है तो आप यहाँ पर के बटन को क्लिक करके बैक एजेस को इजीली देख पाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली इसको एक्सट्रूड करना होगा, राइट। सो मैंने कर दिया एक्सट्रूड। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कटिंग हो रहा है इसके साथ, राइट। सो इट्स मीन कि मेरे को साइज इसका और छोटा करना है। यहाँ पर मैंने कर दिया, फिर से कमांड यूज करेंगे, देन यस। अभी हमारा ग्रोमेट के लिए ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको अप एंड डाउन थोड़ा बहुत करना है तो वो भी यहाँ पर एडजस्टमेंट सभी के सभी अभी के अभी आप कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा और इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा आगे लेंगे, राइट। अब यहाँ पर कटिंग कैसे करनी है तो उसके लिए ध्यान रखना, जैसा कि कर्टेन है हमारा, ये अभी क्या है, सिंगल फेस में, राइट।
और जो हमारा यहाँ पर रॉड है ये किसमें है आपका, एक ग्रुप के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐसा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है इंटरसेक्ट फेस, राइट। अब यहाँ पर विद मॉडल पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये जो रॉड है इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे आपकी ये कटिंग यहाँ पर इजिली हो चुकी है। अब इसके बीच में एक साथ अगर आपको सारा डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से देखेंगे इसको। सो उसके लिए जाना होगा कैमरा पर स्टैंडर्ड व्यू में, बट उससे पहले यहाँ पर कैमरा पर पैरेलल प्रोजेक्शन जरूर कर लें। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा कैमरा पर स्टैंडर्ड व्यूज पर और यहाँ पर लेफ्ट या फिर आप राइट कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इजिली इसको जो है सेलेक्ट करूंगा और डिलीट पर क्लिक करूंगा। अभी आप देख सकते हो जो आपका कर्टेन है इसके अंदर हॉलो हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ग्रोमेट्स के लिए थोड़ा सा क्योंकि थिकनेस दिखानी चाहिए तभी तो रियलिस्टिक लगेगा, इसलिए मैंने सारे के सारे सर्कल्स को यहाँ पर कर लिया है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको जेएचएस पावर टूल के अंदर ही एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर लाइन टू पाइप करने का, यानी कि लाइन टू ट्यूब करने का, राइट। आप इसको सेलेक्ट करेंगे जितना आपको डाया डालना है। सो यहाँ पर मैं 0.2 इंचेस डाल रहा हूँ और जैसे मैं हिट ओके करूंगा जस्ट थोड़ी सी देर में आपके पास यहाँ पर ग्रोमेट्स यानी कि वो जो सर्कल्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास ये सारी डिटेल्स आ गई हैं इसमें। और पर्टिकुलर ये जो पाइप का है ना, जितने भी ग्रोमेट्स हैं ये सबसे खास बात क्या है, ये आपके कर्टन में स्टिक नहीं होते हैं, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे ग्रोमेट्स एक अलग से लेयर में, राइट। सो मुझे यहाँ पर एंड वाले ग्रोमेट को, दोनों एंड ग्रोमेट्स को यहाँ पर डिलीट कर देना होगा। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये तो फिर अलग हो गया, मतलब ये कटिंग तो ऐसा होता नहीं है ना कर्टेंस में, इसके लिए आपको क्या करना होगा वो अब अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर मैं इसको ट्रिपल क्लिक करके अच्छे से सेलेक्ट करूंगा जब तक कि मेरे ये हिडन लाइंस भी सेलेक्ट नहीं हो जाते। राइट क्लिक मैं करूंगा और यहाँ पर अब मेरे को एक ऑप्शन है सॉफ्टन स्लैश स्मूथ एजेस, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा उसके बाद आपको यहाँ पर राइट हैंड पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है दैट इज सॉफ्टन एजेस। सिंपली आप इसकी डिग्री को यहाँ पर रिड्यूस करोगे और अगर आपने यहाँ पर रिड्यूस किया तो आप यहाँ पर इजिली देख पाएंगे आपके जो हिडन लाइंस थे वो भी ब्रेक हो चुके हैं, राइट। सो अब मैं इजिली यहाँ पर जो है इनको डिलीट कर सकता हूँ, बट अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो मेरा कर्व है ये भी मेरा इस लेवल तक सेलेक्ट हो रहा है। सो इट्स मीन कि मेरे को इस पर्टिकुलर कर्व को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है एक्सप्लोड कर्व। जैसे मैं एक्सप्लोर करूंगा अभी आप देखेंगे कि आपका ये जो पर्टिकुलर जितना आप सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उतना ही यहाँ पर हो रहा है, राइट। सो हमने इजिली यहाँ पर जो है इसको कर लिया। यहाँ पर अब आप कैमरा में जाकर पर्सपेक्टिव पर आ सकते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, राइट। सेम इसी तरीके से मुझे नीचे वाला भी करना है, राइट क्लिक किया एक्सप्लोर कर्व एंड यहाँ पर इसको हम डिलीट कर सकते हैं अब इजिली। सो ये मैंने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जाएंगे इधर इस साइड पर और उसके बाद यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर कर देंगे राइट क्लिक एक्सप्लोर देन यहाँ पर इन सेगमेंट को करूंगा मैं सेलेक्ट और कर दिया मैंने डिलीट। सो यस, ये कितना आसान था। अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग इसमें मटेरियल डालेंगे फिर यहाँ पर रेंडर करेंगे, राइट। सो इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट से। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर हमें हमारा जो कर्टेन है विद ग्रोमेट यहाँ पर तैयार है, राइट। अब यहाँ पर आप इसको स्मूथ भी कर सकते हो तो उसके लिए अगेन इन सबको आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप जो है इसको स्मूथ कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारा स्मूथ भी हो गया। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, रॉड डालना है। तो रॉड डालना है तो वो इजी है, आप यहाँ पर इसको ग्रुप कर दे किसी भी रॉड को एंड यहाँ पर आप इसको ऐसा ले आएंगे और यस थोड़ा सा बारीकी से जूम करके इसके एक्सिस को आप इलोंगेट करेंगे। ऑलराइट, सो अभी आप देख सकते हो वो उसके ऊपर रेस्ट कर गया और ये रियलिस्टिक सा एक लुक आपके पास आता है देखने में, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको सबसे पहले तो रिवर्स फेस करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आपका जो कर्टन है इस पर मटीरियल डालूंगा। तो मटीरियल डालने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लाइन या फिर जो भी आप पर्टिकुलर इमेज यहाँ पर फाइल में जाकर इम्पोर्ट करते हैं वो पर्टिकुलर आप इमेज चूज करेंगे। जैसे ये मेरा कर्टन है, यहाँ पर इमेज मेक श्योर आप इमेज को चूज करके रखें। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले ध्यान रहे कि आपका यहाँ पर ओरिजिन पर रहना चाहिए। ओरिजिन पर डालने के बाद आपको यहाँ पर जो आपकी कर्टेन की लेंथ है उसे थोड़ा सा आप बाहर ले सकते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने 7 फीट 3 इंचेस लिया था, तो यहाँ पर मैं 7 फीट
4 इंचेस एक लाइन डाल देता हूँ। डाल दिया, अब यहाँ पर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको रिसाइज करूंगा स्केल कमांड की हेल्प से। तो ये मैंने रिसाइज कर दिया है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, जो आपका लाइन है इसको डिलीट कर दें। अब मैं यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और इसको एक्सप्लोर करूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है मैं एक्सप्लोर क्यों करूंगा, तो देखिए अभी ये ना एक इमेज के फॉर्मेट में है। अगर मैं यहाँ पर बकेट टूल ले रहा हूँ, ऑल्ट क्लिक करके अगर मैं सैंपल ले रहा हूँ, तो मैं इसके सैंपल टेक नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये मटेरियल नहीं है अभी। अगर आपको मटेरियल में चेंज करना है तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए इसको, सॉरी एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी अगर आप इसको जो है सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये पर्टिकुलर मटेरियल की तरह शो हो रहा है, राइट। सो अब यहाँ पर जितने भी आपके लाइन है, बिकॉज एक बॉक्स के अंदर वो पर्टिकुलर मटेरियल फिल है, राइट। तो यहां पर मैं इसको जो है ऐसा कटिंग करूंगा। इसमें आप देखिए ध्यान से इस स्टेप्स को आप लीजिएगा, ठीक है। सो यहां पर मैं इसको इजिली सेलेक्ट करके ऐसा कटिंग कर दिया। कटिंग करने का मतलब ये नहीं कि आपके मटेरियल कटिंग हो गई है, तो आपको मटेरियल की भी कटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो सही से आपके कर्टेन पे नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको फिर से राइट क्लिक करना है, मेक श्योर सिर्फ आपका फेस सेलेक्ट होना चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, टेक्सचर्स पर जाएंगे, पोजीशन पर जाएंगे। आप ये देख सकते हो यहाँ पर आपको ग्रीन और ये कुछ ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं, राइट। तो हमें इसको चेंज करना है, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है फिक्स्ड पिन, आप इसको अनचेक कीजिए। अनचेक करने के बाद आप इसको इजिली जो है जितने भी यहाँ पर आपको ये डॉटेड दिख रहे होते हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको इसके थ्रू डाल दिया, देन यस यहाँ पर इसको लगा देंगे और इधर भी ऐसा। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर मेक श्योर आप फिक्स्ड पिन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डन कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको सिंपली उस सेम मटेरियल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा, एक ऑप्शन है मेक यूनिक टेक्सचर, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर सेलेक्ट में जाएंगे, इन मॉडल में जाएंगे और उसके बाद आपके पास एक नया एक जो है टेक्सचर क्रिएट दिखेगा, राइट। अभी आप इसमें देखेंगे जो ये आपका टेक्सचर है एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल में जितने भी आपके एजेस थे वो सारी कट चुकी है, राइट। अब यहां पर आपको फाइनल स्टेप में आपको क्या लेना है, अच्छे से देखेंगे इस स्टेप को। यहां पर मैं कर्टन के जस्ट इसको पीछे लेकर जा रहा हूं, जैसा कि अभी आप यहां पर देखेंगे जस्ट इसके पीछे हम लोग गए कर्टन के। एंड जरूरी नहीं कि आप उसको उस साइज का रिसाइज करें, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, मेक श्योर आपका जो टेक्सचर है आप उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, टेक्सचर पर जाएंगे, प्रोजेक्टेड को आप चेकमार्क कर देंगे और इसके पीछे होना चाहिए, ये पॉइंट आप याद रखना। एंड अगर आपको लगता है कि अभी भी छोटा है तो आप अपने कर्टेंस को जो है ऐसा साइज रिसाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिसाइज स्केल के थ्रू करूंगा, ये मैंने कर दिया थोड़ा सा और इसका बड़ा, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारा ये क्या है राइट क्लिक करने पर प्रोजेक्टेड, अब यहाँ पर सिंपली ऑल्ट क्लिक करके मैं इसका सैंपल लूंगा और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो कर्टेन है बिल्कुल सही से यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। जितने भी कर्व्स हैं अगर आप कर्व्स को भी फील करोगे ना तो ये देख सकते हो बिल्कुल इक्वली सही से इसके ऊपर ये प्रिंट हुआ है, राइट। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर जितने भी ग्रोमेट्स हैं इसके अंदर मेरे को टेक्सचर डालना है, तो यहाँ पर मैं एक टेक्सचर अप्लाई कर सकता हूँ जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट है। इन बिटवीन गाइस यहाँ पर जो क्लासेस हैं वीरे की वो भी स्टार्ट होने वाली है, अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 25 दिसंबर से ये पूरे इस साल का सेकेंड क्लास है, ग्रुप क्लास, जो कि काफ़ी सस्ते रेट में होता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो जो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, राइट। अगर आपको रॉड है, रॉड को अगर मेटेलिक में डालना है तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मैंने इनको डाल दिया है। पीछे वाले मटेरियल का अब कोई काम नहीं, आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं उनको और ये बन गया आपका एक पूरा का पूरा कर्टेन। आप जैसे कि देख सकते हैं अब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक रेंडर लेना है, देखते हैं कि क्वालिटी कैसी आती है। सो गाइस ये देख सकते हो क्वालिटी आपके पास किस लेवल की है। यहाँ पर जैसा कि हमने ये सीखा कि किस तरीके से खुद का मटेरियल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, खुद की पूरी हमने मॉडलिंग किया, होपफुली आपको ये बिल्कुल पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो हाई क्वालिटी मटेरियल के साथ है हम, अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शन है जो आपको लाइव क्लासेस में सब कुछ डिटेल्ड में एकदम पता चलेगी। ऐसी क्लासेस, इतनी प्रीमियम क्लासेस पूरे आपके इंडिया में शायद ही कोई देता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देता, लेकिन देता होगा तो बिल्कुल शायद ही कोई देता होगा। सो गाइस यस, होपफुली आप जो है ये वीडियो पसंद आई हो और होपफुली आपको ये सच में पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।